Hey everyone, am I audible? Guys, आवाज आ रही है? हाँ okay. या शावनी, ठीक है शामिका। क्या चल रहा है तुम लोगों का आजकल? जय अमीषा, प्राची, आस्था, तिथि, व्हाट्स गोइंग ऑन? स्कूल का करिकुलम क्या चल रहा है अभी? लाइक एग्जाम्स तो खत्म हो गए होंगे ना अब सारे? जनरल कंप्लीशन। रंजन, ओके। विल्फ्रेड एग्जाम, दनिया खुशी। स्टेट बोर्ड का बाकी है। देवांगी कब है स्टेट बोर्ड का अराउंड? सर ऐसा बोला कि जून तक जाएगा एग्जाम्स, सेमेस्टर फाइनल। ये भी बढ़िया। जून मतलब समझ रहे, जून ज्यादा दूर नहीं हो क्या? जून हाँ सर, वो बीच में 12th का भी एग्जाम आ रहे हैं तो पोस्टपोन हो गया है। तो ज्यादा ही दूर है। ठीक है ना, स्टेट बोर्ड सेल बोर्ड है, जो फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज बाकी लोग कैसे हैं? चिन्नू कैसी है? ओके अच्छा, अब मेरी बात सुनो गाइस। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? पोजीशन आइसोमेरिज्म किया था, करेक्ट है ना? तो हाँ सर, पोजीशन किस किस का हो सकता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, बट उसके अंदर मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट? सेम। हाँ, वर्ड रूट सेम होना चाहिए। अब एक बार बताओ, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेते तुम लोगों ने? यस सर। वेरी गुड। अभी सुनो, फाइन। नेक्स्ट के नेक्स्ट आइसोमरिज्म इज योर फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये फंक्शन आइसोमरिज्म होता क्या? मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग फंक्शनल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दे हैव डिफरेंस इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एंड रिमेंबर दैट मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। एक बात बताओ गाइस,
आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म किस किस में हो सकती है? ठीक है, केस ए ले लेते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। एक मॉलिक्यूल है जो कि अल्कोहल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोपेनॉल, और अगर मैं ऑक्सीजन को बीच में डाल दूं तो विल बिकम ईथर, राइट? गाइस, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर। समझ में आया? हाँ या ना? एवरीवन, या एवरीवन, समझ में आया? देखो चक्कर क्या है, मुझे नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जीरो है, तो मुझे पता है कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। यस और नो? यस। तो अल्कोहल और ईथर दे आर फंक्शनल ग्रुप्स। एक काम करते हैं, दूसरा कौन सा कैटेगरी आता तुम्हारा? कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। पता है ना कीटोन ग्रुप का जो नेचर होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है सी डबल बॉन्ड हो, दो अल्काइल ग्रुप लगी होती है सी डबल बॉन्ड हो के एडजेसेंट पोजीशन पे, और एल्डिहाइड के अंदर आर की जगह हाइड्रोजन रहता है। एग्रीड? तो दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, तो दिस इज द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेनोन ले लिया, अगर सी डबल बॉन्ड लास्ट में डाल दिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई फर्क नहीं है, बट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड हो जाएगा। एग्री? एग्री? यस सर। सिमिलरली अगर, अच्छा एक बार बताओ, क्या मैं इसके लिए अल्कोहल या फिर ईथर भी बना सकता हूँ क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कैन आई मेक अल्कोहल एज वेल एज ईथर? तो देखा जाए, ये सारे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये ईथर है, ये अल्कोहल है, कीटोन, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। सो व्हाट आई विल गेट? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक काम करो, उसके बाद तुम्हारा आएगा एसिड एंड एस्टर। एसिड एंड एस्टर, एसिड क्या होता है तुम्हारा? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा लास्ट में लगा होता है, और एस्टर का मतलब होता है यही फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ लगे हुए हैं एडजेसेंट में, तो इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एसिड। क्लियर? इतना समझ में आया? यस। ओके गाइस, समझो फिर कि मैंने क्या किया, मैंने ना प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, और अगर यहाँ से अल्काइल ग्रुप मैंने लास्ट में डाल दिया, तो अगेन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भाई साहब एस्टर बन जाएंगे। कौन सा? मिथाइल इथानोएट। जो चीज ऑक्सीजन पे लगी होती है पहले उसका नाम आता है, एंड देन एसिड वाले पार्ट का नाम आता है इथानोएट। गेटिंग इट? अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगेन दिस इज अ केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तुम्हें पता है क्या, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में गिने जाते हैं। तो दिस इज प्राइमरी अमीन, this is secondary amine and this is tertiary amine,
एंड यू नो व्हाट ये नीट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ बेटा, याद रखना। अल्कोहल राइट एंड वन सेकेंड अल्कोहल एंड फिनॉल्स दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो चक्कर क्या, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चार है, एक रिंग तीन बॉन्ड्स, इसके भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चार है, चार पाई बॉन्ड्स, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। हाँ, इसे अल्कोहल बोलते हैं और इसको फिनॉल बोलते हैं। जब OH जो है ना बेंजीन रिंग पे लगा होता है ना डायरेक्टली, तब उसे फिनॉल बोला जाता है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एम आई क्लियर? यस। अच्छा लिख लिया इतना, ये लिख लिया हो गया सर, सबने ये लिख लिया। नहीं लिखा, राइट, लिख लो। ओके देवांगी, एक छोटी सी प्रैक्टिस करना, लिखने के बाद ना अपना हाथ ऊपर खड़ा कर देना, हाथ तो खड़ा कर सकते हो ना, मतलब थम्स अप कर देना, हो गया मतलब, नहीं नहीं अदिति वैसा नहीं, थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप, दैट विल बी बेटर। या तो मैक्सिमम थम्स अप का मतलब है कि हो जाएगा, आगे चलते हैं, फिर बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या ओके ठीक है, चलें आगे चलें। यस ये लिख लिया, ओके आदित्य, ओके डन विद दिस थिंग राइट। चलो अभी सुनो, गाइस फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही नाउ अंडरस्टैंड दैट मैं इसको फंक्शनल आइसोमर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा।
हाँ क्या हो गया, पोजीशन नहीं है बेटा, ये एल्कीन है तो यहाँ पे इन आएगा और ये आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अंडरस्टैंड? सो अगेन दिस इज यस एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है? नाउ आफ्टर फंक्शनल आइसोमर्स कौन से हमने किए थे? पर द फोर्थ क्या नाम है इसका, एक मिनट, हाँ टी ई जाएगा, या उसके बाद क्या आएगा, मेटामेरिज्म, ओके। मेटामेरिज्म के अंदर ना ऐसा होता है, देर आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स जिनके ना दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ईथर के केस के अंदर ना दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अमीन ले लो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, टर्शरी अमीन ले लो, मेरे पास तीनों साइड पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ये ईथर हो गया, कीटोन ले लो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, एस्टर ले लो दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, और इसके तो तीनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे होंगे टर्शरी अमीन के, ठीक है? ये एस्टर है। नाउ इन फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के अंदर ना मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करता है। Now, what do you know metamerism in that functional in that particular functional groups? Molecules having same molecular formula but have difference same molecular formula, same functional group. But have difference in nature of alkyl group which is attached on both side of functional group. ठीक है, अब सुनना जरा क्या सीन। तुमने एक कंपाउंड लिया इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, जनरल नेम इसका ये है, आईयूपीएसी नेम है इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है? अब चक्कर क्या है, इस ऑक्सीजन के एडजेसेंट पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इस जगह लगा देता हूँ आइसोप्रोपाइल और इस जगह इथाइल लेने देता हूँ, इस जगह मिथाइल लगा देता हूँ और इस जगह आइसोब्यूटाइल लगा देता हूँ, इस जगह मिथाइल लगा देते हैं, इस जगह हम ब्यूटाइल लगा देते हैं। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप्स के एडजेसेंट साइड्स में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वहां पे डिफरेंस आ रहा है, गेटिंग इट? इस चीज को हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, गेटिंग अ पॉइंट? गाइस बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन यस सर। लिख लिया? सर वो सेकंड एग्जांपल दिया उसका नाम क्या है इसका सेकंड एग्जांपल सर? ये
इथाइल प्रोपाइल ईथर के बाद लिखा हुआ है ना वो? इथाइल प्रोपाइल ईथर, दिस इज इथाइल, दिस इज आइसो प्रोपाइल, दिस इज ईथर। इथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर, अच्छा इथॉक्सी प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम है इथॉक्सी प्रोपेन। मैं पता है ना अल्कोक्सी का सफिक्स नहीं होता, सिर्फ प्रीफिक्स होता है। या लिख लिया गाइस, एग्जांपल लिख लिया, यस सर। आगे चलें। मैंने क्या बोला, कीटोन्स के केस के अंदर भी सेम एग्जाम सेम चीज रहती है। अगर तुम्हें पता, एक बार बताओ, चार कार्बन चेन ले लो, ठीक है, लेकिन लाइक पांच, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ डालू, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ डालू, देखो यहाँ डालू यहाँ डालू, बात तो एक ही है ना, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ डालूंगा या फिर यहाँ पे डालूंगा, ये अलग अलग चीज है कि सेम चीज है? सेम है। सेम है। अगर यहाँ डालूंगा तो अलग हो जाएगा, गेटिंग है? तो एक बार बताओ, ये क्या तीनों फंक्शन, सॉरी क्या कहते हैं इसको, मेटामर्स हैं क्या? सॉरी, या क्या ये तीनों मेटामर्स हैं क्या? खुशी ध्यान से, आर ऑल दीज थ्री मेटामर्स? देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, ये लगा हुआ है, यहाँ पे दो इथाइल लगे हुए हैं, तो डाइथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्या ये मेटामर है क्या? इसका ए बी सी, क्या सी मेटामरिज्म में शो करेगा क्या ए और बी के साथ? इज इट पॉसिबल दैट सी इज अ मेटामर ऑफ ए एंड बी? नो सर, अलग फंक्शनल ग्रुप। एग्जैक्टली, और अलग फंक्शनल ग्रुप में मेटामरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। So C is not a metamer. So C is a functional isomer of A and B. बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ले, एग्जाम्पल तीसरा, अमीन ले लो, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल अमीन, तो बिकम मिथाइल प्रोपाइल अमीन, डाइथाइल अमीन, दोनों अमोनिया नाइट्रोजन के दोनों साइड पे इथाइल है, तो डाइथाइल अमीन। मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन,
तो अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मेटामेरिज्म, अंडरस्टूड? फोर्थ, तुम्हारे पास ये है या फिर तुम्हारे पास ये है, चक्कर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कार्बन लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और इसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ C2H5 लगा हुआ है, ये मेटामर्स बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? सेम फंक्शनल ग्रुप है और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, अंडरस्टूड? दे आर मेटामर्स, गॉट दैट? और लाइफ कितनी पीसफुल है, मुझे हाइड्रोजन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम सेम है, डबल बॉन्ड में मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ओके, चलो ग्रेट, आगे चले, लिख लिया सबने? यस सर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मतलब क्या है, द मॉलिक्यूल हैविंग, मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंस इन द साइक्लिक and acyclic form. Acyclic form. एक cyclic है और एक non-cyclic है. Example देख लो, ये हो गया तुम्हारा butene. इसका degree of unsaturation क्या? One. इसका degree of unsaturation क्या? One. तो ये क्या हो जाएगा? Ring chain isomerism. एक साइक्लिक रिंग में और एक नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड में, ठीक है? सिमिलरली ब्यूटीन और साइक्लोप्रोपेन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या? वन. इसका कितना? वन. तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार कार्बन है, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म. क्या बोलते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म. गुड, लिख लो.
ओके चलो ग्रेट। नाउ टॉटोमेरिज्म वील डू लेटर ऑन, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ट्राई करोगे? बताओ कितने आएंगे? कितने आंसर? ओके खुशी,
सुनो गाइस, वट एवर यू गॉट इज गुड। नाउ अभी तो सुनो, देखो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए एक एल्गो या फिर एक लॉजिकल पाथवे फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, हाँ या ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, मेरे पास सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तुम मॉलिक्यूल को देखो, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। गाइस कितना निकला इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? वन। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन निकला, बिकॉज मुझे पता है ओपन चेन साइक्लिक फॉर्म के लिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए था, ओपन चेन फॉर्म के लिए सैचुरेटेड फॉर्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए था, तो दो हाइड्रोजन डिफरेंट है तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक आया, ठीक है, तो मुझे पता है या तो एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या तो एक साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, राइट? यस। वेरी गुड। अभी का बताओ, चार कार्बन है मेरे पास, ठीक है, चार कार्बन में से सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि तीन कार्बन की चेन बनाऊं। तो अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर कैलकुलेट करूंगा ना, हमेशा याद रखना, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैलकुलेट करूंगा तो जो मेन कार्बन चेन जहां से मैं स्टार्ट करूंगा दैट विल बी थ्री, तो मैं तीन कार्बन को आपस में जोड़ देता हूँ, कोई डाउट? अगर मैं तीन कार्बन को कनेक्ट कर रहा हूं तो बचे कितने कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन, तो एक कार्बन को मैं राइट में डाल सकता हूँ, लेफ्ट में डाल सकता हूँ, बीच में डाल सकता हूँ। अगर राइट और लेफ्ट में डालूंगा तो मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम आ जाएंगे? फोर कार्बन। तो मुझे कितने कार्बन की चेन चाहिए फिलहाल? तीन। फोर कार्बन की चाहिए। अरे बाबा, मुझे स्टार्ट कहाँ से चाहिए? तीन से चाहिए ना, मैं अभी तीन के हाँ तीन कैलकुलेट से, करें क्या, जो चार के कैलकुलेट करना शुरू करो। नहीं अब तीन तीन से। के कैलकुलेट करने हैं तो मेरे पास तीन कार्बन एटम यहाँ पे डाल दे, तो जो चौथा कार्बन होगा लास्ट में डालूंगा तो मेन कार्बन चेन चार हो जाएगी, गेटिंग इट? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो कार्बन कहाँ पे डालूं ताकि मेन कार्बन बीच चेन में वाले सिर्फ तीन, कार्बन। बीच वाले कार्बन पे, गेटिंग इट? अब मेरे पास, मैंने एक स्केलेटन बना लिया, मुझे क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेटिस्फाई करना है, तो पाई बॉन्ड कहाँ डाल सकता हूँ मैं? यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ डालू, यहाँ डालू, यहाँ डालू, बात सेम है कि अलग अलग है? सेम ही है। सेम ही है, तो यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया। तो थ्री मेंबर एल्कीन के अंदर मेरे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब जब तीन कार्बन चेन का हो गया, बचा कौन सा? चार कार्बन। तो मेरा मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है? फोर कार्बन। अब मेरे पास बचा क्या? बचा क्या? कुछ नहीं बचा सर कार्बन। बाबा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना, हाँ तो फिर मुझे एक डबल बताओ बॉन्ड पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हैं हम लोग? सर, तीनों में कहीं भी। अरे वो तो कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा। तीन पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ डालूंगा या यहाँ डालूंगा, बात सेम होगी अलग होगी? जस्ट मॉलिक्यूल घुमा के रख दो, बात तो सेम ही होगी ना? यहाँ डालूंगा तभी ब्यूटीन बनेगा, यहाँ डालूंगा तभी ब्यूटीन बनेगा। पहले नंबरिंग यहाँ से करते थे, अब नंबरिंग यहाँ से करोगे, फर्क पड़ेगा क्या? तो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ डालू या यहाँ डालू, फर्क नहीं है, सेम ही बात है। दूसरी चीज, हाँ, अगर डबल बॉन्ड यहाँ डालू तो फर्क पड़ेगा। तो मेन कार्बन चेन चार होगी तो कितने मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है? दो। दो। अब उसके बाद सारे साइक्लिक मॉलिक्यूल हमने कवर कर दिए, अब किसको कवर करना हमें? सारे ओपन चेन मॉलिक्यूल कवर साइक्लिक मॉलिक्यूल कवर करना है, राइट? तो एक बार बताओ, चार कार्बन एटम है मेरे पास और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है, तो कितनी साइक्लिक रिंग पॉसिबल है? एक। तो मैं मैक्सिमम कार्बन की साइक्लिक रिंग से स्टार्ट करूंगा, तो साइक्लिक रिंग मैक्सिमम कितने मेंबर्स की बन सकती है? चार मेंबर्स की। तो चार मेंबर की साइक्लिक रिंग बना ली।
मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया, उसके बाद चार मेंबर हो सकता है, उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर कम कर सकते हैं, तो तीन मेंबर की साइक्लिक रिंग बना सकता हूं गाइस। यस सर, तीन मेंबर की साइक्लिक रिंग बनाया साइक्लोप्रोपेन। अब कितने अल्काइल ग्रुप, कितना मिथाइल, कितने कार्बन बच गए मेरे पास? एक कार्बन बचे, तो वो कार्बन मैं या तो यहाँ लगा सकता हूँ, या तो यहाँ लगा सकता हूँ, या तो यहाँ लगा सकता हूँ। अगर कहीं पे भी लगाऊं बात तो सेम है। वेरी गुड। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बची मेरे पास? मैंने सारी पॉसिबिलिटी कर दी। ये मत कहना सर दो मेंबर का रिंग बना दो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? एंड गाइस सर्टेन स्टूडेंट्स कैन हैव कंफ्यूजन इन दिस। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो ना कि यार पाई बॉन्ड यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ 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 सेम क्यों है, यार अगर मैं पाई बॉन्ड यहाँ डालूंगा तो मैं मेन कार्बन चेन को ये ले सकता हूँ, तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपीन, बिकॉज नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी मेरे को, तो टू मिथाइल प्रोपीन। अब मेन कार्बन चेन ये ले लो तो भी टू मिथाइल प्रोपीन बन रहा है, तो मतलब यहाँ डालना और यहाँ डालना सेम ही चीज हो गई ना, नजरिया अलग हो गया। पहले तुम मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे थे या मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे हो, है ना? बात तो एक ही है, बीच वाले कार्बन में मिथाइल आ रहा है। तो आई गेस गाइस जिस जिसको भी कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करना है। तुमने सॉल्यूशन लिखा इसका? I want everyone to write the solution ताकि मैं क्वेश्चन और दे पाऊँ तुमको। ओके खुशी, क्वेश्चन दूँ? यस। ओके फाइन। क्वेश्चन For C5H10, calculate the number of open chain isomer. This is A. B, calculate the number of cyclic molecules, cyclic isomers. Try करोगे कि मैं करूं? हाँ स्ट्रक्चरल, सिर्फ स्ट्रक्चरल और क्या ही बोलूंगा, अभी स्ट्रक्चर भी बड़ा है ना।
ओके निरंजन देखते हैं। ओके 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 सॉल्व करें अभी गाइस, शैल वी सॉल्व? अच्छा एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या करूं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माय माइंड? सबसे पहले क्या करूं? ओके इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते। कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका? वन। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो फिर एक व्हाट रिंग होगी। या चलो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है। तो सबसे पहले क्या एल्गो लगाया था ओपन चेन के लिए? हमको कहाँ से स्टार्ट करना? सिर्फ 3 कार्बन। ओके अब एक बार बताओ मेरे पास बच्चे कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो कहाँ डालूं? बीच लास्ट में डालूं वाले क्या? कार्बन। अच्छा ऐसे डालूं क्या? ऐसे अरे मेन कार्बन चेन कितनी हो जाएगी बेटा अगर ऐसे डालूंगा तो? हाँ नहीं डाल सकते ना ऐसे। तीन के लिए क्या करेंगे? एक दो तीन, एक एक करके डाल देंगे। करेक्ट। एक बात बताओ अब बच्चा मेरे को क्या डालना है? एक डबल कहाँ डालू मेरे सिर्फ जन? दो कहाँ डालू पॉसिबिलिटी होगी। कहाँ? दो पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? कौन कौन सी? कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होंगी इसके अंदर डबल बॉन्ड डालने की? नहीं सर एक ही होगी। अच्छा एक ही होगी। कहाँ डालू? कहीं भी डाल सकता हूँ? हाँ सर। अगर यहाँ डालूंगा तो एक बात बताओ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? सर ये तो 4 से ज्यादा होगा। कितने बॉन्ड बना रहा है? मैंने क्या पूछा कितने बना रहा है टोटल? पांच। पॉसिबल है क्या? नो चार कार्बन का वैलेंस ही चार रहता है तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। मतलब मेरे पास कोई भी आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें मेन कार्बन चेन 3 कार्बन की। अरे यार जब आइसोमर बनाओगे इतना तो ध्यान रखो ना कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है एंड दैट्स इट।
इतना तो ध्यान रखोगे ना, और हैलोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, इतना तो ध्यान रख सकते हो ना कि भैया ये बॉन्डिंग तो रहेगा, पता लगा कार्बन के 15 बॉन्ड बना के बैठ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, गेटिंग इट? तो मेरे पास कोई भी ऐसा ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं जिसके अंदर 3 कार्बन का वाला चेन हो। फोर अब कार्बन, बचा क्या? आई विल टेक अ चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स। अब मुझे मिथाइल डालना है, एक CH3 बच गया, तो यहाँ CH3 लास्ट में तो डालूंगा नहीं, बिकॉज पेंटेन बन जाएगा, मुझे डालना तो बीच में ही पड़ेगा, तो बीच में कहाँ डालूं, यहाँ डालूं या फिर यहाँ डालूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो नो यहाँ डाल दिया। अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं डबल बॉन्ड डालने की? डबल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हैं, बेटा चार खुशी चार नहीं है, देखो ना, डबल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हैं। अब बचा डबल बॉन्ड इन दोनों जगह में, इन दोनों जगह के बीच में डालना, या डबल बॉन्ड यहाँ डालूं या यहाँ डालूं, फर्क पड़ेगा क्या? देखो ना, अगर ये 3 कार्बन है, हाँ चौथा तो ये वाला है, ये भी हो सकता है, दोनों जगह पाई बॉन्ड डालूंगा तो बात सेम ही रहेगी ना, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 3। कोई डाउट इसके अंदर? वेरी नो सर, गुड। अब 4 वाला कार्बन, 5 और 4 मेंबरिंग वाला, 4 कार्बन एटम वाला मेन कार्बन चेन कवर हो गया, बचा कौन सा? 5 पांच पे मोगा वाले के अंदर पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ डाल सकते हैं बताओ, कितनी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज है? एग्जैक्टली। या तो पाई बॉन्ड यहाँ डालूंगा या तो यहाँ डालूंगा, यहाँ डालू यहाँ डालू बात सेम है, यहाँ डालू बात सेम है, पहले पाई बॉन्ड यहाँ डाल सकते हैं और पाई बॉन्ड यहाँ डाल सकते हैं। एनी डाउट? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तुम्हारे पास? तो नो कितने सर, तुम्हारे पास ओपन चेन आइसोमर आए? 5। ओके फाइन गाइस, समझ में आया सबको करना कैसे? अब यस सर, साइक्लिक शुरू करें, ये लिख लिया, ओके ये लिख लिया, यस सर। बी पार्ट साइक्लिक। साइक्लिक में सबसे, देखो मेरे पास 5 कार्बन है, C5H10, सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन चेन का मेंबर, सबसे बड़ा मेंबरिंग कौन सा होगा साइक्लिक में अंदर? हमारी मैक्सिमम का 5 मेंबरिंग हो जाएगा, तो सबसे बड़ा मेंबरिंग ये पॉसिबल है, कोई डाउट? उसके बाद, फोर उसके मेंबर है। बाद 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर एक बनाऊंगा तो मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप बच जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? सर एक ही पॉसिबिलिटी, ये चारों पोजीशन सेम ही है तो एक जगह डाल दो, कोई डाउट? उसके बाद थ्री कार्बन। 3 कार्बन। अब मेरे पास कितने कार्बन बचे एवरीवन? दो। अच्छा, पहले
पहले ये ट्राई करना कि दोनों कार्बन को ना सिर्फ एक कार्बन एटम में डाल सको। तो पहले दोनों कार्बन एटम को एक कार्बन एटम में डालना है, तो मैंने ये वाला कार्बन एटम चूज कर लिया। दो कार्बन एटम को एक ही कार्बन एटम में डालना है, तो ऐसे डाल सकता हूं। सही है ना, कार्बन चार बॉन्ड ही बना रहा है, डाल सकता हूँ ना, और ऐसे भी डाल सकता हूँ। दोनों कार्बन एटम को एक ही कार्बन एटम में डाल दिया। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या सर? अलग अलग डाल, अरे एक कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ पहले मैं, कि दोनों कार्बन एटम को एक कार्बन एटम में डाल। और कोई पॉसिबिलिटी नजर आती तुमको? अब इतना ही पॉसिबिलिटी तो बचे क्या, दो कार्बन एटम उसको एडजेसेंट कार्बन में डाल सकते हैं। तो एक एसिड यहाँ पे आ सकता है और दूसरा यहाँ पे आ सकता है। यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, बात एक ही। तो कितने पॉसिबिलिटीज आई मेरे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल्स? फाइव पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई? यस सर। लिखना है इसको, वेरी गुड। चले आगे गाइस। यस ओके नाउ आई गेस इतना क्लियर हो गया। वील गो फॉर वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तुमको। अच्छा मुझे ना टोटल आइसोमर्स चाहिए इसके, C4H8O, ठीक है? देखो मिल बांट के काम करते हैं, तुम ओपन चेन निकालोगे या साइक्लिक निकालोगे ये बता दो पहले। ठीक है तुम साइक्लिक निकालो, मैं ओपन चेन निकालता हूँ। पहले देख लो ओपन चेन कैसे निकाल रहा हूं मैं, उसके बाद कुछ भी करना, ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कितना हुआ। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका वन हो गया तो यार एक बात बताओ, मेरे पास सी एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर, राइट? ओपन चेन लूंगा तो एक पाई बॉन्ड लेना पड़ेगा, करेक्ट? सबसे पहले मैं क्या करूं, आई विल गो फॉर थ्री मेंबर ओपन चेन, राइट? मेन कार्बन चेन, तो तीन कार्बन एटम डालूंगा, एक कार्बन एटम बीच में डालूंगा। कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? नो नो। ओके अब मेरे पास एक दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं सी डबल बॉन्ड सी देख सकता हूँ, मैं सोचता हूँ पाई बॉन्ड या सी डबल बॉन्ड सी में भी हो सकता है, या पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ में भी हो सकता है, बिकॉज दोनों केसेस के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन होगा। एग्री? यस सर। मैंने क्या किया, पहले सी डबल बॉन्ड सी की पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करी। इसके अंदर सी डबल बॉन्ड सी डाल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस। चलो एक बात बताओ, अगर मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करी, बचा क्या मेरे पास? चार कार्बन एटम में एक ऑक्सीजन एटम है, बचा क्या? चार कार्बन अगर डाल गया तो बचा क्या? बचा क्या? ऑक्सीजन बचा, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड, बिकॉज सी डबल बॉन्ड सी ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब ये जो ऑक्सीजन है वो सैचुरेटेड बॉन्ड बनाएगा ना, सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, या तो अल्कोहल होता है या तो ईथर होता है। कभी तुमने अल्कोहल ईथर में पाई बॉन्ड देखा है क्या, ओ एच और कार्बन के बीच में?
तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ओएच डालूं या तो ईथर बनाऊं। अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है ओएच डालने की इसके अंदर। ओएच यहां डाल सकता हूं मैं, इसको एज इट इज रख दूं, बीच कार्बन में नहीं डालूंगा, कार्बन पांच बॉन्ड बना देंगे, यहां डालूं बात एक ही है। एग्रीड एग्रीड। ईथर बनाने के लिए ना कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, बीच में ऑक्सीजन डालना पड़ता है, ये तो तोड़ूंगा नहीं, ऑक्सीजन चार बॉन्ड बनाएगा अदरवाइज। ईथर बनाने के लिए इन दोनों कार्बन बॉन्ड को तोड़ूं या फिर इन दोनों कार्बन बॉन्ड को तोड़ूं, बात एक ही है, बॉन्ड तोड़ के बीच में ऑक्सीजन डाल दो तो तुम्हारा सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है। तो कितने पॉसिबिलिटी आई मेरे पास, टोटल सी डबल बॉन्ड सी की समृद्धि, आर्या, ईशा, श्रुति एब्सेंट है, हार्टवेल, शिव जयंती, आर्या पता नहीं। हाँ तीन। अच्छा सुनो, बट चक्कर क्या, ये भी तो है ना कि यार मैंने सी डबल बॉन्ड सी लिया, ये भी तो पॉसिबल है सी डबल बॉन्ड ओ आ सकता है तीन कार्बन चेन के अंदर, तो मेन कार्बन चेन तुम्हारा ये वाला आ गया था राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, सी डबल बॉन्ड सी लूं या सी डबल बॉन्ड ओ लूं। सी डबल बॉन्ड ओ बीच में डालना पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल कि चौथा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ में बीच वाले कार्बन में डालूं, इधर पॉसिबल है? तो बी डबल बॉन्ड यहाँ डालूं या यहाँ डालूं, बात सेम ही है। तो टोटल तीन मेंबर कार्बन चेन का कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, चार। गेटिंग इट, गेटिंग इट? यस सर। बचा कौन, कितने कार्बन अभी, चार कार्बन राइट। तो तीन कार्बन का मैंने कैलकुलेट कर लिया, किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी इश्यू, पहले मैंने सी डबल बॉन्ड सी के सारे कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद सी डबल बॉन्ड हो गए, तो तीन मेंबर कार्बन डन। उसके बाद बचा कौन सा, चार मेंबर, चार मेंबर मुझे पता है लीनियर कार्बन होगा। अब मुझे बताओ सी डबल बॉन्ड सी वाला चेक करूं कि सी डबल बॉन्ड ओ वाला चेक करूं पहले, सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड ओ, बिकॉज पाई बॉन्ड तो डालना है बहुत से, किसमें डालू, सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड ओ, अरे बोलो ना किस में डालू, इन आई विल डू वन थिंग, सी डबल बॉन्ड ओ उठाते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ डालने के लिए इस कार्बन के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? देखो इसको कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सर दो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इस वाले कार्बन पे यहां डालू बात सेम है, यहां डालू बात से है, तो मेरे पास आ जाएगा ये या ये। एग्रीड एग्रीड, यस सर। आगे चलें, इतना लिख लिया, पेज चेंज करूं, डन सर। ओके ग्रेट सर, वन मिनट। ओके ओके, डन सर।
ओके नाउ सुनो, ओके नाउ अभी क्या करना है हम लोगों को, चार मेंबर रिंग के अंदर सी डबल बॉन्ड से कैलकुलेट करना है। तो एक बार बताओ, चार मेंबर रिंग ले लिया, अब सी डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड डालने की कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर? दो, या तो पाई बॉन्ड यहाँ डलेगा या तो पाई बॉन्ड बीच में डलेगा, कोई डाउट? जब मैंने पाई बॉन्ड बीच में डाल दिया तो अब मेरे पास जो ऑक्सीजन बचा वो इस पे आएगा आइदर अल्कोहल फॉर्म में या फिर ईथर फॉर्म में, राइट? यस सर। तो मुझे बताओ ओएच डालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर अल्कोहल डालने की? हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल, कितनी पॉसिबिलिटीज है? हर एक जगह पे जो अल्कोहल बन रहा है वो सेम बन रहा है कि अलग अलग बन रहा है? अलग बन रहा है। चार अल्कोहल तो यही यहाँ पे है ना। अब बच्चा ईथर, ईथर बनाने के बीच में तुमको क्या लॉजिक बताया था, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन डाल दो, राइट? तो मेरे पास कितने बॉन्ड्स हैं तोड़ने के लिए, एक तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया या फिर एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो कितने ईथर पॉसिबल है मेरे पास? तो अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में कैलकुलेट किया। अब इधर आ जाओ, इधर सबसे पहले अल्कोहल बताओ, कितने अल्कोहल आएंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज है अल्कोहल डालने की? बताओ यहाँ डालूं मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यहाँ डालूं बात सेम है, यहाँ डालूं बात सेम है, तो कितने अल्कोहल बनेंगे? उसके बाद ये बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन डालूं या ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन डालूं, बात एक ही है, तो ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ में आई बात? नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करना क्या कैसे है? अगर मैंने तुमसे पूछा कि यार इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो कौन से आइसोमरिज्म का रिलेशन है इन दोनों के बीच में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू आइसोमर्स? पोजीशन। खुशी, इन दोनों के बीच में फंक्शनल, ठीक है ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच में पोजीशन, ठीक है। न्यूक्लियर तो नहीं बेटा, चेन सेम है ना, ब्यूटेन है ना, चेन तो ब्यूटी है ना, तो न्यूक्लियर कैसे हो जाएगा? पोजीशन होगा, पोजीशन नम वर्ड रूट सेम है बेटा इन दोनों का। चले आगे, साइक्लिक कैलकुलेट करोगे कि मैं करूं? सर एक मिनट ऊपर लीजिए, एक मिनट ऊपर लूं। हाँ करो कैलकुलेट साइक्लिक को। सर डन। ओके साइक्लिक निकाल लिया। जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, चार कार्बन एटम है एक ऑक्सीजन एटम है, तो मेन कार्बन चेन के अंदर ना, मेन साइक्लिक चेन के अंदर ऑक्सीजन कैन बी अ पार्ट ऑफ अ रिंग, ये याद रख लेना, उसके बाद सॉल्व करो, जनरली लोग भूल जाते हैं कभी।
ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी याद रखना। बताओ कितने आ रहे हैं? ओके वील चेक इट आउट नाउ। देवांगी ज्यादा निकलेंगे आई गेस, इससे तो खुशी आई गेस या फाइन इतना हो सकता है। ओके गाइस सॉल्व करें इसको, अभी सबने ट्राई कर लिया। यस सर। ओके लिसन, ये तो एक हो गया करेक्ट। अब फोर मेंबर रिंग के अंदर दो पॉसिबिलिटी आएंगी, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट भी हो सकता है और पार्ट नहीं भी हो सकता। तो चक्कर क्या है, फोर मेंबर रिंग के अंदर मैं ये ले सकता हूं और फोर मेंबर रिंग के अंदर मैं ये ले सकता हूं, कोई डाउट? बाबा कोई डाउट? नो सर। बचा क्या? एक कार्बन इधर, तो ये बताओ बचा एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन पे डाल नहीं सकता बिकॉज ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं डालेगा। यहाँ डाल सकता है और यहाँ डाल सकता है, राइट? यहाँ डालूं और यहाँ डालूं, बात सेम है कि अलग अलग है? सेम है। वेरी गुड, तो डाल देते हैं यहाँ पे एक,
यहाँ डाल सकते हैं एक और। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई CH3 डालने के लिए इस मॉलिक्यूल के अंदर? दो। अब एक बार बताओ, बचा एक ऑक्सीजन तो OH आएगा इधर, तो OH कहाँ डालूंगा, किस कार्बन एटम में OH डालू? यहाँ 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 कहाँ डालू? सेम हो जाएगा सर। क्या फर्क पड़ता है, डाल है ना। तो अब तक चार मॉलिक्यूल्स आए मेरे पास, बचा कितना, तीन मेंबर रिंग। अब तीन मेंबर रिंग मैंने क्या लिया, तीन मेंबर रिंग में वो वाला मेंबर रिंग लिया जिसमें ऑक्सीजन पार्ट है, बचे कितने अल्काइल ग्रुप्स, बचे कितने अल्काइल ग्रुप्स, दो अल्काइल ग्रुप। और दोनों अल्काइल ग्रुप को पहले क्या चाहोगे, कहाँ रखना है, कहाँ एक रखना है, साथ एक साथ। तो दोनों अल्काइल ग्रुप को एक साथ ऐसे रख सकते हैं सेम कार्बन एटम पे, या फिर सेम कार्बन एटम पे ऐसे रख सकते हैं, कोई डाउट? उसके बाद दोनों कार्बन एटम को अलग अलग कार्बन पे रखना है, तो एक एक कार्बन को अलग अलग डाल। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या दोनों कार्बन को चिपकाने की इसके अंदर? ये मत बोलना ऑक्सीजन में दो कार्बन डाल दो, ऐसा तो ऑक्सीजन तीन बॉन्ड नहीं बनाता। एनी डाउट इन दैट? अरे कोई डाउट बेटा इसके अंदर? नो सर। उसके बाद कौन सी रिंग होगी विदाउट ऑक्सीजन वाली। विदाउट ऑक्सीजन? अगर विदाउट ऑक्सीजन वाली रिंग हुई तो सबसे पहले क्या बचा मेरे पास, कार्बन और ऑक्सीजन और, ऑक्सीजन हाँ तो पहले कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को किधर डालूंगा, ट्राई क्या होगा मेरा, दोनों एक साथ को सेम कार्बन एटम पे डाल दो, कोई डाउट? नो। वेरी गुड। ऐसे भी डाल सकते हैं, उसके बाद ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं, फर्क है कि नहीं है दोनों के अंदर, सेम है कि अलग अलग है? समझ में आई बात? दोनों कार्बन आ दोनों आटम्स को एक ही कार्बन के अंदर जब फिक्स करोगे तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं। यू अंडरस्टूड, यस और नो? यस। हाँ। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कि OH एंड OCH3 कहाँ पे होना चाहिए? एडजेसेंट अलग कार्बन। तो ये साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल है। तो कितने आए भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, कितने आए, ग्यारह। क्या डन। लिख लिया? हाँ बेटा। सर नीचे? क्या प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। घर पे इसका प्रैक्टिस कर लेना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया गाइस?
एक क्वेश्चन दूं और ट्राई करोगे? C3H6O के साइक्लिक स्ट्रक्चर वहां, बस ये सिंपल है, बना सकते हो। सर चार कार्बन साइकिल पे एक डबल बॉन्ड हो, देवांगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा भी काउंट हो जाएगा साइक्लिक रिंग के साथ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करेगा उस केस में। सिर्फ साइक्लिक बनाना, खुशी ओपन चेन भी बना लो। निरंजन ठीक है, देखते हैं। ओके शैल वी सॉल्व दिस? आया आंसर इसका? साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करोगे तो मैक्सिमम रिंग कितनी आ सकती है गाइस? मैक्सिमम रिंग कितनी आ सकती है? 3 कार्बन। 4 ना, 4 सर, उसको 3 कार्बन की बोलेंगे? नहीं, 4 मेंबर रिंग बोलेंगे इसको, 3 कार्बन नहीं 4 मेंबर रिंग बोलेंगे, ठीक है? ओके, 3 कार्बन रिंग तो ये भी हो सकती है, राइट? बचा OH डाल दिया, बचा CH3 डाल दिया, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई साइक्लिक मॉलिक्यूल? 3। और ओपन चेन का कितना आएगा अगर लगाना है तो? सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, OH यहाँ भी आ सकता है, OH यहाँ पे भी आ सकता है, और OH यहाँ पे भी आ सकता है, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर ईथर भी आ सकता है, ये ईथर हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये ओपन चेन पॉसिबिलिटीज है, राइट? राइट, गाइस आया ना? यस सर। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुमने लिख लिया ये? लिख लो, देन वी विल वाइंड अप द लेक्चर, ठीक है? होपफुली ये सारे जो क्वेश्चन है घर जाके प्रैक्टिस करोगे।
और ढंग से करोगे, ठीक है? एक असाइनमेंट भेजता हूँ तुमको मैं, स्ट्रक्चरल का, सिर्फ स्ट्रक्चरल का। गाइस लिख लिया, ओके गाइस देख लिया सबने? यस सर। ओके चलो टेक केयर गाइस, है ना? बाय बाय बेटा।